नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इराक में बगदाद के ग्रीन जोन पर दो रॉकेटों से हमला, अमेरिकी दूतावास को बनाया निशाना, कोई हताहत नहीं। राजधानी जयपुर में दर्दनाक हादसा, घर में फटा सिलेंडर, दो की मौत, एक गंभीर घायल। जेडीए की निंदर आवास योजना के विरोध में किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। और दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, 7 विकेट से 2-0 से जीती सीरीज, काइल जेमिसन को मैन ऑफ द मैच। इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में दो रॉकेटों से सोमवार तड़के फिर से हमला किया गया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इनमें से एक रॉकेट बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास के पास आकर गिरा। बगदाद के अति सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में कई देशों के दूतावास है, यहाँ सुरक्षा भी कड़ी रहती है। हालांकि अक्टूबर 2019 के बाद से कई बार इस क्षेत्र को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे जा चुके हैं। अमेरिका द्वारा ईरानी जनरल की हत्या के बाद से ही इस इलाके में तनाव की खबरें आती रही हैं। कोरोना वायरस का कहर वैश्विक स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 नाम के इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 3000 पर पहुंच चुकी है, जबकि पूरे विश्व में 88,000 से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस के प्रभाव से संक्रमित पाए जा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच उत्तरी इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में लगभग 85 छात्र एक हफ्ते से फंसे हुए हैं। यहां पिछले कुछ दिनों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। छात्रों ने सरकार को SOS संदेश भेजा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकाला जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को शाम होते होते एक अफवाह फैल गई। लोगों के बीच तेजी से खबर फैली कि राजौरी गार्डन, खयाला समेत कई इलाकों में हिंसा हो रही है। कई लोगों ने गोलियां चलने की भी बात कही, जिसके बाद अचानक ही लोग फिर से दहशत में आ गए। देखते ही देखते ये अफवाह दिल्ली के हर कोने में फैल गई। अचानक दिल्ली के कई इलाकों में भगदड़ जैसे हालात हो गए। ओखला के बटला हाउस इलाके में अफवाहों की वजह से भगदड़ में एक इंसान की मौत हो गई। दिल्ली में भड़काऊ भाषणों का किस तरह असर हुआ है ये पूरे देश ने देखा। इस बीच एक और विवादित बयान सामने आया है जो AIMIM के नेता ने महाराष्ट्र के मालेगांव में दिया। AIMIM के विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जनसभा में कहा कि अगर हम अमन और अमान रखना जानते हैं तो ये कैसे जाएगा, ये भी पता है। विधायक ने कहा कि ये हमारी शराफत है कि हम शांत बैठे हैं। नेता रैली में बोले कि अगर बात हम पर आएगी तो हम अमन और अमान रखना जानते हैं, ये कैसे हो जाएगा, ये भी हमें पता है। हमने कोई चूड़िया नहीं पहनी है, हमारी शराफत है कि हम आज तक खामोश है और शहर के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। हालांकि बयान पर बवाल के बाद विधायक ने कहा कि उन्होंने देश नहीं बल्कि शहर के मसले पर बयान दिया। राजधानी जयपुर में आज सुबह एक दुखद दुर्घटना घट गई। चार दीवारी के चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर मंदिर के पास एक मकान में सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल को SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने JCB की मदद से बड़ी मुश्किल से मलबे को हटाया। मौके पर पहुंचे विधायक अमीन कागजी ने बताया कि पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तत्काल काबू पा लिया है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर चौड़ा रास्ता में वन वे कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। JDA की निंदड़ आवास योजना के विरोध में निंदड़ में जमीन समाधि सत्याग्रह एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस कड़ी में अभी 10 किसान जमीन समाधि सत्याग्रह में बैठ रहे हैं और आज शाम तक 21 किसानों के जमीन समाधि सत्याग्रह में बैठने की संभावना है। पिछले 50 दिनों से हमें सरकार के निर्णय का इंतजार था, लेकिन सरकार के द्वारा निंदड़ के किसानों की समस्या के समाधान हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप मजबूर होकर निंदड़ के किसानों को फिर से जमीन समाधि सत्याग्रह के रास्ते पर चलना पड़ रहा है। अब जब तक सरकार के द्वारा निंदड़ के किसानों के संदर्भ में कोई ठोस निर्णय नहीं किया जाता है, तब तक यह सत्याग्रह लगातार जारी रहेगा। इसमें जमीन सत्याग्रह में धरती मां की गोद में एक मां अपने बच्चे को लेकर बैठी है। शुक्रवार को ऐतिहासिक गिरावट के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को शेयर बाजार जोरदार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 704.47 अंक की बढ़त के बाद 39,000 से अधिक स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 213.70 अंक की बढ़त के बाद 11,415.45 के स्तर पर खुला। इससे पहले लगातार 6 कारोबारी दिन बाजार में गिरावट दर्ज की जा रही थी। अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजारों में तेजी की बदौलत घरेलू बाजार में बढ़त देखने को मिली। बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने दूसरे और आखिरी टेस्ट में भारत को 7 विकेट से हरा दिया।
इस तरह दो मैच की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत अपनी पहली पारी में 242 रन पर ऑल आउट हो गया। जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी 235 रन पर सिमट गई। इस तरह पहली पारी के आधार पर भारत को 7 रन की बढ़त मिली थी। वहीं दूसरी पारी में भारतीय टीम महज 124 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह न्यूजीलैंड को जीत के लिए 132 रन का लक्ष्य मिला, जिसे कीवी टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। अपनी पहली सीरीज खेल रहे काइल जेमिसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गई। भारतीय टीम जहां 116 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बरकरार है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।